अग्रणी फैशन डिजाइनर इंस्टीट्यूट INFD द्वारा आज रोज स्पेशल शो मर्करिन 2022 नु आयोजन करवामां आव्यु हतु। आजादी का अमृत महोत्सव थीम पर योजायेलो आ शो में इंस्टीट्यूट विद्यार्थियों द्वारा भारत की झांकी दर्शाता खास कलेक्शन डिजाइन तैयार करवामां आव्या हता। आ कलेक्शन साथ फेशन शो में मॉडलों रेम्पवॉक कर्यु हतु। आ कार्यक्रम मुख्य अतिथि तरीके माननीय इस्माइल शरीफ भारत सरकार टेक्सटाइल मंत्रालय असिस्टंट डिरेक्टर हाजर रहा था। आ उपरांत श्रीमान उत्सव धोड़किया संस्था डायरेक्टर परेश पटेल मुंबई फेशन शो डिरेक्टर और कोरियोग्राफर हाजर रहा था। श्रीमान मोहित अग्रवाल कोरियोग्राफर सहित अन्य महानुभावो उपस्थित रहा था। तमाम विद्यार्थियों ने कामगिरी ने बिरदावी थी और भविष्य माटे शुभकामनाओं पाठवी थी। भारत में फेशन शो उभी करवामां अने आंतरराष्ट्रीय स्तरे भारत की उपस्थिति स्थापित करने प्रयास में INIFD सूरत उभरी रहे युवा डिजाइनर प्रोत्साहित करतु हतुं। बीतेला तमाम वर्षों में अमे अलग अलग 21 फेशन शो नुं आयोजन कर्युं छे। आ वर्षे खूब ज विशेष छे कारण के भारत तेनी आजादीना 75 वर्ष पूर्ण करी रह्या छे। वर्षोथी भारतीय शिल्पकारो वणकरो अने कारीगरो अथाग प्रयत्नो करे छे, जो के वधता खर्चा अने वेचाण किंमतोने कारणे लोको हाथथी बनावेली चीजो प्रयत्नो रस गुमावी रह्या छे। आ डिझाइन संस्था तरीके अमे खादी कलाकार कारीगरी अने स्थानिक विस्तारोना हाथ भरत जेवा हेन्ड मेड फेब्रिकनो उपयोग करवानो अने कारीगर ट्रेलर्स अने हस्तकारीगरोनो व्यावसायिक मूल्य स्थापित करवानो प्रयास करीए छीए। हाल INIFD फेशन डिजाइन एंड इंस्टीट्यूटमां कुल विद्यार्थीओनी संख्या 60 छे, जेमां प्रथम वर्षना 25 अने बीजा वर्षना 20 अने त्रीजा वर्षना 15 फेशन स्टूडेंट्स छे। हूँ परेश पटेल, डायरेक्टर INIFD सूरत। અમારો એન્યુઅલ પાસિંગ આઉટ ફેશન શો છે, વી કોલ ઇટ એન્યુઅલ ડિઝાઇનર એવોર્ડ્સ। આ દર વર્ષે કરવામાં આવે છે, જ્યારે થર્ડ યરના ફાઇનલ ગ્રેજ્યુએટિંગ સ્ટુડન્ટ્સ એમનું કલેક્શન જે શીખ્યા હોય 3 વર્ષમાં એમનું ડિઝાઇનના સ્વરૂપે અહીંયા એ લોકો ડિસ્પ્લે કરે અને પ્રોફેશનલ મોડલ્સ ને કોરિયોગ્રાફર્સ ને મ્યુઝિક સાથે એને લોન્ચ કરવામાં આવે છે। ટોટલ 12 સિક્વન્સનો શો છે અને ઓલમોસ્ટ અરાઉન્ડ 80 સ્ટુડન્ટ્સ આર પાર્ટિસિપેટિંગ ઇન ધ શો એન્ડ એક સિક્વન્સ છે જે એ સ્ટુડન્ટ ઓફ ધ યર લાસ્ટ યરનો જે હોય એની એક સિક્વન્સ છે કે જે થ્રુ આઉટ ધ યર આજે શોમાં જે જીતશે એ નેક્સ્ટ યર પોતાનું કલેક્શન શો કરશે, એક એવી સિક્વન્સ પણ છે। આ કેવું છે સાહેબ કે પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ હોય છે ને, જેમ આપણે ભણતા હતા 12મામાં, એટલે આપણે કેમિસ્ટ્રી ભણ્યા આપણે સાથે એન્ડમાં આપણે પ્રેક્ટિકલની એક્ઝામ બી આપવી પડે કેમિસ્ટ્રીના સબ્જેક્ટની, એવી રીતે આ એક જાતની પ્રેક્ટિકલ એક્ઝામ જ છે કે જે છોકરાઓ થ્રુ આઉટ સ્ટડી કર્યો હોય 3 વર્ષમાં ડિઝાઇનિંગના સબ્જેક્ટ વિશે, કપડાં કેવી રીતે બનાવવા, કેવી રીતે ડિઝાઇન કરવા, એ બધાનું એમનું છેલ્લું એન્યુઅલ પ્રેક્ટિકલ પરફોર્મન્સ છે આ એક જાતનું। હા, મેં આરતી ગુપ્તા, સેન્ટર હેડ INIFD। આજ કા શો કરકે હમે બહોત ખુશી હુઈ। आज के शो का थीम हमने आज़ादी के 75 वर्ष के ऊपर रखा था, जो कि जानबूझ के रखा क्योंकि 75 वर्ष हमें आज़ादी को हुए हैं और हमारे बच्चों ने जो कलेक्शन बनाए आज, तो वो सबको बहुत सबने सराहे, बहुत तालियां भी बजी क्योंकि वो सब इंडिया के थीम के ऊपर थे। जो आज कोरोना में इंडिया के जो क्राफ्ट्समैन हैं वो भ्रमित हो गए थे, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा था, तो उनकी चीज़ें उठा उठा के उन्होंने बनाए, जैसे ओडिशा का पीपली का काम है, लहरिया काम है, राजस्थान का, ये टाइप के थीम हमने लिए, तो वो लोगों ने बहुत सराहा, उनके कलेक्शन को अवार्ड भी मिले हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि हमने आज ये शो संपन्न किया 3 साल के बाद, जो कोरोना में गैप हुआ, आज हमें बहुत सेटिस्फेक्शन हो रहा है। आगे भी हम इस तरह से इंडिया के क्राफ्ट्समैन को, हैंडलूम को, खादी को, इन सब चीज़ों को बढ़ावा देंगे। धन्यवाद।